हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, नैनीताल की खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज है सैटरडे का दिन और डेट है आज 2 सितंबर। तो सितंबर में मौसम कैसा है ये तो आप देख ही सकते हैं। बारिश यहाँ बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो मौसम में थोड़ी सी गर्माहट है, लेकिन मौसम बहुत ही शानदार बना हुआ है। और आज देखिए, लेक में खूब सारी बोट्स दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। तो खूब सारी बोट्स का मतलब खूब सारे टूरिस्ट। तो आज मुझे लगता है नैनीताल में थोड़ा अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी पर्यटक यहाँ पर हैं। तो चलिए देख। तो आपने देखा कि नैनीताल का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, शानदार हो रहा है, और आज मुझे लगता है काफ़ी भीड़ भी है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसी चहल पहल है, कितनी रौनक है और शहर में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए साथ में बने रहिए। तो घर से नीचे मैं उतर चुकी हूँ और हूँ फ्लैट्स के पास। तो यहाँ पे देखते हैं आज कितनी भीड़ है, क्या है, क्योंकि बोट्स तो आज बहुत सारी दिखाई दे रही थी। और फिलहाल यहाँ पर चल रहा है मैच और क्लाइंबिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैच चल रहा है और मैच के दर्शक सब मौजूद हैं। तो आज चलते हैं नीचे की तरफ से ही थोड़ा, और देखते हैं क्लाइंबिंग वॉल की तरफ कैसा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस साइड भी मैं नहीं गई हूँ। तो चलिए यहाँ से आज नीचे उतरते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा दिखाती हूँ, शाम का टाइम जो है नैनीताल का, वो बड़ा ही खेल प्रेमियों के लिए अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है, इधर चल रहा है फुटबॉल मैच और साथ में क्रिकेट भी थोड़ा बहुत, और सामने है क्लाइंबिंग वॉल जहाँ पे क्लाइंबिंग हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा उधर जाके देख कर आते हैं। तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शाम की चहल पहल देखिए लोगों के साथ, और हर जगह अलग अलग तरह के खेल चल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ पे इस तरह का। और सामने देखिए, बस उतने से बादल बचे हैं आसमान में, बाकी सब बादल छट चुके हैं। ज़ोर शोर से क्लाइंबिंग वॉल में क्लाइंबिंग चल रही है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। वैसे भी ओलंपिक्स में शामिल हो चुका है ये, तो ये देख सकते हैं आप कहाँ पे वो बच्चा गया हुआ है। तो बड़ा ही मज़ा आता है ये देख के। चलिए हम भी देखते हैं थोड़ा सा। तो आज पूरा टाइम मैंने बिता दिया है क्लाइंबिंग वॉल के पास गपशप मारते हुए। और देखिए सामने की लाइट्स बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, और ऊपर हल्का हल्का कोहरा है, तो अच्छा सा लग रहा है, बड़ा अलग सा कुछ एटमॉस्फेयर। और इस साइड भी देखिए, ऊपर की साइड पर थोड़ा थोड़ा कोहरा आ चुका है, लेकिन वैसे बारिश के कोई चांसेस नहीं है अभी। और इस समय मंदिर में चल रही है आरती, तो चलिए वहाँ तक घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो चलिए मैं निकलती हूँ यहाँ पे जहाँ पे लगती है फड़ मार्केट, और यहाँ पे देखिए भीड़ भाड़ सी, और समोसे वाला आ गया देखिए। तो ऐसे गर्मा गर्म समोसे मिलते रहते हैं यहाँ पे दिन भर, और आज थोड़ी सी रौनक से दिखाई दे रही है। तो सैटरडे का दिन है, वैसे भी भीड़ भाड़ होती है सैटरडे को। तो चलिए आगे देखती हूँ मैं कितनी भीड़ है क्या है, क्योंकि मंदिर में भी आरती का टाइम है। तो इस साइड है काफी भीड़ भाड़, और यहाँ पर है गुरुद्वारा। तो आज सामने टिबेटन मार्केट दिखाई दे रही है बंद, तो ये क्यों बंद है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भूटिया मार्केट खुली हुई है। तो इस साइड वाली जो मार्केट है ये है भोटिया मार्केट, और सामने वाली जो मार्केट है वो है टिबेटन मार्केट। तो टिबेटन मार्केट आज बंद है, उसका कारण मुझे मालूम नहीं है। और इस तरफ है चाट पार्क, और ये जो चाइनीज़ और फास्ट फूड वाला जो मार्केट है, तो इसे चाट पार्क बोला जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज, अच्छी खासी रौनक नैनीताल में दिखाई दे रही है। तो नैनीताल में आज काफ़ी पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ बड़े दिनों के बाद मिलने के लिए बड़े ही खास शख्स से, जो देखिए बड़ी प्यारी स्माइल के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं, बोबो UK04, जो कि मेरा चैनल है, और ये अक्सर भूल जाते हैं।
तो कैसे हैं आप भैया? एकदम बढ़िया हूँ और आपसे काफी दिन बाद मुलाकात। हाँ जी, बहुत दिन बाद हो रही है मुलाकात जी। तो कैसा चल रहा है आज का सीजन? आज काफी भीड़ सी दिखाई दे रही है। कहूँगा कि ठीक ही चल रहा है क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे संडे जी, और कुछ दिन में हमारा सही चलने वाला है जी बात, क्योंकि दिल्ली में G20 का जो भी मीटिंग होना है तो उसमें छुट्टियां पड़ रही है। तो कुछ लोग उसको G20 लॉकडाउन भी बोल रहे हैं क्योंकि काफी जगह पे बंद है। तो कह सकते हैं कि जो भी यहाँ हमारे व्यूअर सामने देख रहे हैं, नैनीताल आना चाहते हैं तो बुकिंग कर आए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है काफी भीड़ होने वाली है, फुल होने का चांस। हाँ, चांसेस तो है, कहते हैं कि होगा। क्योंकि ब्लॉग के माध्यम से आप देखते रहे, जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे, और अगर बुकिंग करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बड़ा ही क्यूट सा डॉग है जो कि थक चुका है घूम घूम के, शायद गर्मी सी कुछ लग गई है। ये देखे, और सामने की लाइट्स एक बार फिर बड़ी सुंदर सी लग रही है। तो चलिए मैं चलती हूँ मंदिर की तरफ, आरती ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे, तो फिर भी दर्शन कराते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर में, और देखिए सबसे बाहर ही लिखा है मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही प्रवेश करें। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज सब लोगों ने पता नहीं जूते बाहर क्यों उतारे हैं। वैसे यहाँ पे जूता स्टैंड है अंदर, तो आप यहाँ पे उतार सकते हैं। और देखिए मंदिर में आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, आरती अभी अभी ख़त्म हुई है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग प्रसाद चढ़ाने गए हुए हैं। ये है हमारा मुख्य मंदिर। तो अभी कुछ दिन बाद, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि काफ़ी चहल पहल होने वाली है क्योंकि मेला शुरू होने वाला है 20 तारीख से, और काफ़ी सुंदर मंदिर को भी सजाया जाएगा। तो नंदा देवी का जो मेला होता है वो काफ़ी बड़ा मेला होता है हमारे नैनीताल शहर का, और बड़ा ही अनोखा एक उत्सव होता है। तो अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकते हैं 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में। चलिए सामने हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो आज मैं चलती हूँ यहाँ से वापस मार्केट की तरफ, क्योंकि आज मार्केट भी बंद है तो काफ़ी शांति सी है। ये देखिए, तो कुछ दिवस है इनका जिसकी वजह से बंद है, तो वो भैया ने भी पता नहीं क्या बताया, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन चलिए फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, टिबेटन मार्केट की सुनसान गली है, और दिनों यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है और बड़ी रौनक होती है, तो आज क्योंकि मार्केट बंद है तो देखिए गजब की सुनसानी है। तो आज है पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ, तो काफ़ी फुल से लग रही है पार्किंग। तो 118 रुपये यहाँ के चार्जेस हैं, जैसा कि मैं बताती रहती हूँ आप लोग को हमेशा, 118 रुपये पार्किंग के चार्जेस हैं। और 11 बजे का टाइम है चेकआउट का, तो 11 बजे अगर आप 9 बजे भी गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं तो 11 बजे के बाद आपको दोबारा यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लगी है यहाँ पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो टूरिस्ट आ रहे हैं मतलब बहुत सारे। तो फिलहाल आज तो इस तरह की ही भीड़ भाड़ है, लेकिन अभी जैसा कि बहू भैया ने भी बोला कि 7-8 तारीख के आसपास काफ़ी भीड़ बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली में कई जगह पे बंद है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आप लोग आने का सोच रहे हैं तो उससे पहले यही अच्छा रहेगा कि आप प्री बुकिंग अपनी करवा लें। वैसे तो होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होने वाली है, दिल्ली ही बंद है, बाकी तो सब खुला ही रहेगा, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल यही रहेगा। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप बुकिंग करवा के आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज खड़ी बाज़ार के रास्ते चलते हैं फिर से। तो गाड़ी पड़ाव पहुँच चुकी हूँ मैं, और ये वाली मार्केट आप देखते ही रहते हैं। देखिए आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे,
तो खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वेज नॉन वेज सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये है गाड़ी बढ़ाओ में और मैं हूँ अभी खड़ी बाज़ार के स्टार्टिंग पॉइंट में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो शाम के टाइम तो खड़ी बाज़ार हमेशा ही बड़ी सुंदर सी लगती है, रौनक ही अलग होती है यहाँ पे। तो देखिए टूरिस्ट काफ़ी इंजॉय करते हैं और यहाँ पे जो बेंचेस बनी हैं बैठने की, यहाँ पे लोग बड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, फ़ोटोज़ वोटोज़ लेते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि लोगों को यहाँ पे। और दुकानों के शटर्स में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, उसको भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैं क्योंकि चढ़ाई चढ़ रही हूँ इसलिए मेरी सांस फूल रही है, तो कई लोग बोलते हैं कि आपकी सांस फूल रही है, तो चढ़ाई में चलते हुए अगर बोलते रहें तो थोड़ा सा सांस फूलती है, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे है हमारी दोस्त निदा अहमद जी और इनके पापा यहाँ के बड़े ही पुराने खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी रिनाउंड अहमद अंकल। तो ये देखिए ये मैडम हमेशा बिज़ी पाई जाती हैं अपने फ़ोन पे और अभी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपने फ़ोन पे। बढ़िया। तो बड़ा बाज़ार में मैं पहुँच चुकी हूँ और हमारी प्यारी प्यारी बाजी दिखाई दे रही हैं जो कि छुप रही हैं कैमरे को देख के, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ यहाँ चाय पीने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।